everyone, how are you? Well guys, this is day 5 of our government job series, to be more precise, GK government job series. या GK कौन से एग्जाम में नहीं आता, मुझे ये बताओ। और इस वीडियो में बहुत सारे वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, SAARC, BIMSTEC, सो मैनी थिंग्स आई एम गोइंग टू कवर। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट डाउन एनीथिंग, इट मीन्स यू शुड इंक्रीज योर लिसनिंग पावर। इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर मी एज वेल to write it down each and everything, then you will present in the front of you. Instead, it is also time saving for me to dictate the things in a lucid manner so that you can also grab the things and retain it for a longer time. If you are not finding anything clear, watch this video again, right? All I can say to you all, wonderful guys, right? So yeah, welcome you all to my channel. Here we go, without waste a single second, I would love to start this video. Let me now it's in good position. Anyway, the first thing I have is SAARC, SAARC Women's Championship. ये एक फुटबॉल का चैम्पियनशिप होता है. दिस इज बेसिकली फॉर द वुमेन, SAARC. SAARC का क्या फुल फॉर्म है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स चैम्पियनशिप, राइट? सो इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं यार? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका आर द मेंबर्स ऑफ SAARC, राइट? SAARC 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था. टोटल नंबर ऑफ जो टीम्स हैं वो 7 हैं. करेंट चैम्पियन इज ऑफ कोर्स इंडिया है, और मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इंडिया ने ही, 5 टाइम्स इंडिया ने इस फुटबॉल चैम्पियनशिप को क्लिंच किया है, राइट? सो यार, कितने बार, कौन कौन से ईयर में किया है इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, है ना? जैसे 2010 में होस्ट किया था बांग्लादेश, चैम्पियन इंडिया रहा था. 2012 में श्रीलंका ने होस्ट किया था और इंडिया चैम्पियन रहा था. 2014 की बात कर रहे हैं यार, हर 2 साल पे होता है, राइट? तो पाकिस्तान ने किया था और इंडिया, पाकिस्तान ने क्या किया था, होस्ट किया था और इंडिया ने इसको जीता था, राइट? 2016 की बात करें तो कहाँ पे होस्ट हुआ था? इंडिया में ही. इंडिया ने ही होस्ट किया था और चैम्पियन भी इंडिया ही था, ब्रो. सो ऐसे तो हर 2 साल में ये टूर्नामेंट हुआ था, लेकिन 2016 से ना, डायरेक्टली 2019 में हुआ था. तो इस बार 3 साल पे हुआ था. दैट इज़ नेपाल ने होस्ट किया था और यहाँ पे भी इंडिया वॉज द चैम्पियन, और इवन इंडिया इज़ द चैम्पियन, राइट? तो समझ में आ गया होगा, राइट? नेक्स्ट वन आई वुड लव टू टॉक अबाउट इज़, अगर मैं एशिया कप की बात करूं, एशिया कप तो पता होगा सभी को कि यार हम एशिया कप क्रिकेट का होता है, राइट? सो फर्स्ट एडिशन जब एशिया कप
1984 में स्टार्ट हुआ था, राइट। सो यहाँ पर मैं ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं बताऊँगा, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि यार लास्ट मतलब लेट मी शो यू समथिंग, आई वुड लव टू गिव यू द गुड डेटा इंस्टेड ऑफ यूजलेस डेटा। देर इज नो मीनिंग ऑफ यूजलेस डेटा, राइट। 2016 की बात करते हैं, एशिया कप की बात करते हैं, तो बांग्लादेश में ये ऑर्गेनाइज हुआ था और इंडिया इसमें चैम्पियन रहा था। एशिया कप पहले सिर्फ 50 ओवर्स का हुआ करता था, नाउ इट हैज़ बीन चेंज्ड टू ईदर इन T20 फॉर्मेट और ODI फॉर्मेट। तो 2016 में जो हुआ था वो T20 फॉर्मेट में हुआ था और बांग्लादेश ने होस्ट किया था और इंडिया वॉज द चैम्पियन। इंडिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया था, राइट। 2018 की बात कर लेते हैं, 2018 में ODI फॉर्मेट में था, UAE ने इसको होस्ट किया था और यहाँ पे भी इंडिया ही चैम्पियन रहा था। और इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ कि यहाँ पर इंडिया ने बांग्लादेश को फिर से आया, ये क्या हो यार, और सारी टीम क्या कर रही है, आराम कर रहे हो, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, रियली बांग्लादेश, व्हाट। ऐसे तो हर ये 2 साल पे होता है, लेकिन यहाँ पर अभी क्या चल रहा है ब्रो, COVID-19। एनीवे सबको पता है अभी क्या चल रहा है। सो इस ईयर तो सारे टूर्नामेंट्स जितने भी सबमिट्स होने थे सब पोस्टपोन हो चुके हैं। सो 2021 में ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि ये श्रीलंका में होगा और दैट इज़ गोइंग टू बी इन T20 फॉर्मेट। सो देर इज़ नो एनी फाइनल अनाउंसमेंट हैज़ बिन मेड एज फॉर एज लाइक इज गोइंग टू बी इन, नो देर इज़ नो डेट एंड ऑल, लाइक देर इज़ नो डेट और दैट काइंड ऑफ थिंग्स डिक्लेयर बाय द हायर अथॉरिटीज, राइट। तो 2021 में होने वाला है, श्रीलंका में होने वाला है T20 फॉर्मेट में, राइट। आई होप यू ऑल गेट इट, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यार ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट। ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट, ये वीडियो यार बहुत इम्पॉर्टेंट है, डोंट टेक दिस वीडियो लाइटली। इसमें मैं बहुत सारे कॉन्टेंट डिफरेंट यार, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट UPSC में पूछा गया है, कैन यू बिलीव दिस, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्लाइमेट इज़ अ बिग फैक्टर, क्लाइमेट इज ऑलवेज अ बिग फैक्टर एज फॉर आर इन्वायरमेंट इज कंसर्न, अलॉन्ग विद दैट you know it's like it's a serious matter, not for the one country, it's a pandemic problem, isn't it? As like COVID-19 is a pandemic problem, this is something, it's not like climate problem India is only facing, no, it's like North America, South America, Australia, Japan, Antarctica, you know, like Asian country, everywhere this problem is pervasive, right? Global Climate Action Summit की अगर हम बात करें तो 12 to 14 September 2018 को San Francisco, California, USA में ये organize हुआ था, राइट। दैट इज 12 to 14 September of 2018 को ये ग्लोबल
क्लाइमेट एक्शन समिट। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिसेंटली मैं एक क्वेश्चन पेपर देख रहा था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। राइट, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट 12-14 ऑफ सेप्टेम्बर 2018 कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA। There is any other thing apart from this. I don't want to waste a single second of yours, so I would really love to jump directly on the next topic, that is थोड़ा सा मैं यार US Open Championship की बात करूँ। You know what? Will जैसे अगर हम मैं बैडमिंटन क्या होता है? बैडमिंटन होता है, रैकेट होता है। तो अगर जैसे टेनिस चैम्पियनशिप की अगर बात करूँ तो US ओपन सबसे लास्ट में होता है। राइट, सो सबसे लास्ट में होता है और ये बेसिकली ठंड में होती है ना, लाइक नवंबर दिसंबर काइंड ऑफ में होती है। सो इसका मैं ये हमेशा ही एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, सिंगल्स में कौन विनर है, डबल्स में कौन विनर है। तो थोड़ा सा मैं सिंगल्स की मैं पहले बात करूँगा, फिर डबल्स पे भी मैं जंप करना चाहूँगा। सो लिसन इट वेरी केयरफुली, राइट, so that you can grab it, otherwise going to be difficult for you to understand it or keep it in your mind. 2018 की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, मेंस सिंगल की मैं बात कर रहा हूँ। नोवाक डीकोविच इज द विनर। राइट, अगर फीमेल की बात करें, फीमेल सिंगल्स की बात करें तो नाओमी ओसाका वॉज द विनर ऑफ वुमेन सिंगल इज कंसर्न। राइट, मेंस डबल की मैं बात करूँगा, फीमेल्स डबल की मैं बात करूँगा। राइट, सो इसको भी केयरफुली सुनना सो दैट कि यार तुम इसको जीत पाओ। राइट, माइक ब्रायन एंड जैक सॉक मेंस डबल 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। एशलिग बार्टी एंड कोको वैन डी वैगी एशलिग बार्टी एंड कोको बैंडी वेगी जो विमेंस डबल में 2018 में विनर रहे थे। 2019 की मैं बात करना चाहूँगा, राफेल नडाल मैन सिंगल में, वुमेंस सिंगल में बिनाका एंड रेस्क्यू। राइट, अगर मैं मेंस डबल की बात करूँ तो जॉन सेबेस्टियन कैबल एंड रॉबर्ट फरहा। राइट, अगर मैं वुमेन डबल की मैं बात करूँ तो एलिश मार्टिन्स एंड आरियना सबलेनका। राइट, तो इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा अगर यूपीएससी को छोड़ दो तो मिक्स डबल वगैरह कभी मैंने यूपीएससी में भी देखा है, दे मोस्टली आस्क्ड अस मेंस एंड वुमेंस और बेसिकली दे डोंट आस्क दिस काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इंस्टेड दे मिक्स टू और थ्री क्वेश्चन एंड दे मेक वन क्वेश्चन। दिस इज़ द रियल एसेंस ऑफ यूपीएससी। अदर अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल अदर एग्जामिनेशन दे आस्क वेरी straight forward, all you just need to remember the name of the guys I have told to you. Right,
सो यार आई नो द नेम्स आर लिटिल डिफिकल्ट टू रिमेंबर बट इट्स जस्ट अ मैटर जस्ट वॉच टू टू थ्री टाइम्स ऑफ दिस वीडियो एंड यू विल गेट द आंसर विदाउट एनी प्रॉब्लम राइट. अगर नेक्स्ट मैं अगर मैं बात करूँ सो व्हाट आई हैव फॉर यू इज वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप की थोड़ा सा बात कर ले क्या. चलो बात कर ही लेते हैं यार, अब तुम कह रहे हो तो इट्स फाइन टू टॉक अबाउट वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2014 की बात कर लेते हैं ना. 2000 अगर मैं 14 की मैं बात करूँ तो 2014 में जिस कंट्री ने होस्ट किया था दैट वाज द हेग. हेग कहाँ है, नीदरलैंड में है राइट. और ये इस 2014 में क्या हुआ था, नीदरलैंड ही चैम्पियन था और नीदरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को डिफीट किया था. 2018 की बात कर लेते हैं या तो लंदन इंग्लैंड ने होस्ट किया था और यहाँ पे भी नीदरलैंड ने ही बाजी मारी थी और नीदरलैंड वॉज द विनर. नीदरलैंड डिफीटेड आयरलैंड राइट. 2022 में स्पेन में स्पेन एंड नीदरलैंड दोनों टुगेदर आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी 2022. सो आई थिंक यू नो एज लाइक आर साइंटिस्ट आर वेरी persistent with the vaccination. So most probably today I itself heard that you know in 2021 the vaccination is going to come. For the time being all you just need to do is to keep yourself away from COVID-19 and this is all you can see. Otherwise COVID-19 is very lethal right. सो यार 2022 में होने वाला है. नेक्स्ट वन आई हैव फॉर यू इज दिस इज समथिंग व्हाट आई हैव फॉर यू, लेट मी चेक इट आउट, इट्स टेकिंग लिटिल टाइम अदरवाइज इज ओके. फीफा वर्ल्ड कप की हम बात करना चाहेंगे, तुम्हें अगर पता ही हो तो फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में कतर में होने वाला है राइट. सो इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो यार थोड़ा सा इट्स टेकिंग टाइम. सो डोंट वरी अबाउट इट ब्रो, इट्स फाइन टू वेट फॉर सम थिंग्स यू नो. आई विल टॉक अबाउट द होस्ट कंट्री चैम्पियन रन अप एंड ऑल राइट. सो अगर मैं 2014 की मैं बात कर लूँ या 2014 में क्या हुआ था, री जिडेनेरियो यू नो ब्राज़ील, ब्राज़ील में हुआ था और जर्मनी ने अर्जेंटीना को डिफीट कर वर्ल्ड कप को जीत लिया था. 2018 में क्या हुआ था, 2018 में रशिया में हुआ था और फ्रांस ने क्रोएशिया को डिफीट कर दिया था. सो क्रोएशिया इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, स्वीट कंट्री, हाउ डू यू नो दिस इज स्वीट कंट्री, आई मीन स्मॉल इज स्वीट ना. एनीवे दिस इज इरेशनल काइंड ऑफ थिंग्स राइट. 2022 की बात करो तो ये कतर में होने वाला एंड द वे द कंस्ट्रक्शन इज गोइंग देयर इज वाओ, द वे द प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन इज समथिंग व्हाट इज It's totally a next level kind of things, right? So, the preparation is running in a very swift manner. Anyway, so yeah, 2022 mein Qatar mein hone wala aur even 2026 mein three countries that are Canada, USA and Mexico
all three countries are going to host as far as 2026 FIFA World Cup is concerned, right? So I am very excited. It's always be a amusing thing to watch, a FIFA World Cup, right? So anyway, I hope you got it. Next I have BIMSTEC ki thoda sa baat kar lete. BIMSTEC mein कौन कौन से कंट्रीज है, लेट मी नो फर्स्ट एंड लेट मी आई वुड लव टू टेल यू सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट फैमिलियर विद दिस वर्ल्ड कंट्री एज फार एज BIMSTEC इज कंसर्न. बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड इज द कंट्री. टोटल 7 countries are participated as far as BIMSTEC is concerned. So I would love to tell you, BIMSTEC 2004 mein first time hua tha, Thailand ne isko host kiya tha, aur Thailand mein bhi Bangkok mein hua tha, right? Phir 2008 mein India ne host kiya tha, New Delhi mein hua tha. 2014 में म्यांमार, 2018 में नेपाल और 2022 में श्रीलंका में कोलंबो में होने वाला. तो हर ये 4 साल पे होता है. 2018 में नेपाल में हुआ था. नेपाल 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 नेपाल. वेल इट्स गोइंग टू बी इट्स डिफिकल्ट फॉर इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू मग अप द थिंग्स राइट नाउ. You will have to watch this video 1 to 2 times, then only is going to be fixed in your mind, right? If your mind is sharp enough, it could be possible that you can, able to remember the things in once after just watching once time. And it's a good memory if you have this kind of memory, right? 2014 ki to baat kari lete hai, jise maine bata chuka hu, Myanmar, Myanmar, Myanmar. 2018 mein Nepal. एंड 2022 में श्रीलंका इसको होस्ट करने वाला है, राइट. थोड़ा सा मैं यार अभी शार्क की बात करें तो शार्क साउथ एशियन एसोसिएशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. वेल गाइस, इट्स ऑलरेडी बीन 22 मिनट्स, आई डोंट वांट टू बी, वेल आई एम टेलिंग यू द ट्रू थिंग्स. सो इट्स नॉट अ मैटर, लाइक हेडक्वार्टर इज काठमांडू, नेपाल. सो व्हाट इज कंट्रीज and as far as SARC is concerned, I would love to tell you, but before that, yeah, it's taking time, you know. Wait, no, okay, hold on bro. ओके, अगर सार्क समिट की मैं बात करूँ तो जैसे यार अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका. यार अगर तुम BIMSTEC की बात करो तो वहाँ पे थाईलैंड था, यहाँ पे थाईलैंड नहीं है. यहाँ पे मालदीव्स है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है. मोशन जो क्रिकेट खेलते हैं यार, अफगानिस्तान क्रिकेट खेलता ही है, बांग्लादेश खेलते हैं, भूटान फिलहाल तो नहीं खेलता, इंडिया तो खेलता ही है, मालदीव्स नहीं खेलते, नेपाल भी खेलने लग गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये तो पता ही है. तो बेसिकली ये सब खेलते हैं ना, बस क्रिकेट खेलते हैं. तो ऐसे भी तुम रिमेम्बर कर सकते हो. एनी वे, द होस्टिंग ईयर आई लव टू टेल यू सो दैट होस्ट किस साल में कौन से हुआ था तो ये पूछते हैं ना. 2014 की मैं बात कर लेता हूँ तो ये नेपाल में हुआ था. नेपाल में भी कहाँ, काठमांडू में हुआ था, राइट.
2014 नेपाल काठमांडू, 2014 नेपाल काठमांडू राइट। 2016 में कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। सो इस्लामाबाद में हुआ था। एक मिनट कैंसल लाइक मी नो, ये यार कैंसल्ड हो गया था 2016 में, नहीं हो पाया था। एक मिनट, द डेट एंड एवरीथिंग वाज फिक्स्ड लाइक 15 to 16 of November 2016 पाकिस्तान इस्लामाबाद, लेकिन ये कैंसल्ड हो गया था। और 2020 में ये होना है, लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं है टू ऑर्गेनाइज इट। सो इस साल तो नहीं हो पाएगा। तो 2014 में नेपाल, 2015 में, 2016 में पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो होना था वो कैंसिल हो गया था राइट। सो नेक्स्ट आई हैव फॉर यू इज आई एम गोइंग टू फिनिश दिस एज सून एज पॉसिबल, सो दैट इज जस्ट गोल्डन बुकर प्राइस की थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे राइट। गोल्डन बुकर जो प्राइस होता है, हर एक 50 साल कंप्लीट होने पर ही दिया जाता है। ऐसा नहीं एक बुकर प्राइस होता है, एक इंटरनेशनल होता है, एक गोल्डन बुकर प्राइस होता है। तो जो गोल्डन बुकर प्राइस होता है वो हर 50 इयर्स पे ही दिया जाता है। द विनर वॉज अनाउंस्ड एट द सेरेमनी ऑन 8 July 2018 एट लंदन साउथ बैंक सेंटर विद द अवार्ड गोइंग टू माइकल ऑन्टाजे फॉर हिज 1992 नॉवेल इंग्लिश पेशेंट। इंग्लिश पेशेंट के लिए माइकल ऑन्टाजे, माइकल ऑन्टाजे को इंग्लिश पेशेंट के लिए, जो कि 1992 का नॉवेल है, उसके लिए गोल्डन बुकर प्राइज दिया गया था राइट। आई होप यू गॉट इट। द नेक्स्ट आई हैव फॉर यू इज ये है यार बुकर प्राइज, दिस इज बुकर प्राइज। और बुकर प्राइज की मैं बात करूँ 2018 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एना बर्न्स, एना बर्न्स को मिल्क मैन बुक के लिए दिया गया था। अगर 2019 की बात कर ले, मार्गारेट एटवुड को द टेस्टामेंट के लिए है। एक नॉवेल है, एक कनाडा कनाडा कंपनी कंपनी कनाडा से ये बिलोंग करता है ये बंदर राइट। सो द पर्सन हु गॉट फॉर 2019 टू पर्सन गॉट द बुकर प्राइज, फर्स्ट इज मार्गारेट एटवुड फॉर द नॉवेल द टेस्टामेंट राइट, और बर्नार्डाइन एवरिस्टो को मिला है गर्ल वुमेन एंड गर्ल वुमेन अदर, गर्ल वुमेन अदर राइट। सो ये एक एक्सपेरिमेंटल नॉवेल है, जो जैसे बर्नार्डाइन एवरिस्टो है ये यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करता है। सो इन 2019 टू पर्सन गॉट द बुकर प्राइज, फर्स्ट वन वॉज फॉर द नॉवल द टेस्टामेंट एंड द पर्सन वॉज मार्गारेट एटवुड फॉर द बुक टेस्टामेंट, बर्नार्डिनो बर्डेनाइन एवरिस्टो is the person for the novel Girl, Women, Other right? Got it. So the last, not last, Madhya Pradesh यार में सबसे ज़्यादा greenery है, उसके बाद I have written here, sorry if it's like oh my gosh. So basically Madhya Pradesh में सबसे ज़्यादा ग्रीनरी है, कहने का मतलब ये है। एंड जैसे एंड सेकेंड इज महाराष्ट्र राइट, महाराष्ट्र में भी
सबसे ज़्यादा ग्रीनरी है, राइट? सो फर्स्ट रैंक इज़ मध्य प्रदेश, सेकेंड इज़ महाराष्ट्र, राइट? या महाराष्ट्र, अगर जैसे स्टेट की बात करें, जियोग्राफिकल एरिया की बात करें, वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस। सो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा ग्रीनरी है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा किस स्टेट ने किया है, वो है मध्य प्रदेश, राइट? ये इस वीडियो में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की मैं बात करूँ, ट्रस्ट में ये बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि आई डोंट नो, एग्जामिनर को लगता है कि ये बहुत कम बच्चे पढ़ के जाते हैं या जो भी है। सो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ग्लोबल 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 इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड 8 टाइम इन अ रो फर्स्ट स्टैंड कर रहा है, राइट? अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया क्यों नहीं पूछते, क्योंकि इंडिया की रैंक यहाँ पे बहुत ही ख़राब है, दैट इज़ 52nd रैंक है, राइट? सो इंडिया की रैंक तुम याद कर सकते हो, दैट इज़ 52nd। एंड एज फार एज सिंस 8 ईयर्स स्विट्जरलैंड इज विनिंग दिस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, राइट? वट एल्स आई हैव फॉर यू वंडरफुल गाइज, वट डू थिंग्स आई हैव फॉर यू, लेट मी चेक। समर ओलंपिक की बात करें या तो पता ही है, टोक्यो जापान में होने वाला है समर ओलंपिक, राइट? इससे पहले कहाँ हुआ था समर ओलंपिक? Let me know for you wonderful guys. Let me know. Okay, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि ब्राज़ील में है, और जिस ब्राज़ील ने इसको होस्ट किया था, दैट वाज 31st जो समर ओलंपिक हुआ था, वो कहाँ हुआ था? 2016 में हुआ था, 2016 में हुआ था, 2016 में हुआ था, राइट? दैट वाज 31st। 32nd इज 2020 में होने वाला था, जो कि पोस्ट पोन हो चुका है ड्यू टू COVID-19, दैट इज गोइंग टू मोस्ट प्रोबेबली हैपन इन टोक्यो जापान, राइट? सो टोक्यो जापान में ये होने वाला था, लेकिन इट हैज़ बिन पोस्टपोन ड्यू टू COVID-19। सो इट वॉज अ 32nd समर ओलंपिक इज कंसर्न, राइट? ब्रिक्स की मैं बात करना चाहूँगा, ब्रिक्स में पता ही है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका आर द कंट्रीज हु पार्टिसिपेट इन ब्रिक्स, राइट? सो ब्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसकी कब कब होने वाली है, चाइना इज़ वेरी डेंजरस, यू नो व्हाट, चाइना यार इज़ अ वेरी डेंजरस कंट्री टू बी हैविंग, इट्स लाइक एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, चाइना ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम फॉर इंडिया, राइट? 2018 में साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था ब्रिक्स, राइट? 2018 में साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था ब्रिक्स समिट को। 2019 में ब्राज़ील ने किया था, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील। 2020 में रशिया में
होने वाला था बट ये पोस्टपोन हो चुका है ड्यू टू COVID-19। पता ही हो गया, रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन 2036 तक प्रेसिडेंट रहने वाला। दिस इज वाव, दिस इज अमेजिंग राइट? इजंट इट अमेजिंग? दिस इज नॉट राइट। आई मीन ही हैज़ डन सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इन लॉ एंड दैट एंड नाउ ही इज एबल टू स्टैंड बाय ऑन हिज पोजिशन हिज डेजिग्नेशन टिल 2036। इजंट इट वाव? मोर देन वाव, दिस इज शॉकिंग बिकॉज दिस इज सम काइंड ऑफ मिस यूज ऑफ द थिंग्स राइट। तो एनी वे 2018 में साउथ अफ्रीका ने किया था, तो 2019 में रशिया नो 2019 में ब्राज़ील ने किया था एंड 2020 में तो ये पोस्टपोन हो गया। एंड नेक्स्ट वन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज बाय इंडिया। वेल देर इज नो डेट टिल नाउ मेंशन बट country has been finalized and the country that is going to host is India, right? So you can remember whenever it's going to be India, right? So this is the end of this video. I hope you thoroughly enjoyed it and this video was very informative, isn't it? I have mentioned so many things that is something what you will find in many of the government exams, right? So this is me signing off from this video. Have a great day. Take care of yourself. Don't forget to subscribe, share, like this video. Have a great day.